क्लास प्लस टू फिजिक्स टूडेज टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म टू डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी हमें टॉर्क निकालना है, इस पर टॉर्क निकालना है किस पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वो रखा गया हो। तो ये देखिए डायग्राम देखेंगे हम, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये यहाँ पे माइनस के हो प्लस के हो, ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता है अपना सेम चार्ज इक्वल अपोजिट, तो ये क्या हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेंथ क्या होगी 2a, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो ये अपनी लाइन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो ये लाइन है क्या, पॉजिटिव चार्ज की लाइन है, तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगी और पॉजिटिव को रिपेल करेगी, तो ये फेस इधर जाएगा और ये फेस इधर जाएगा। सेंटर लाइन से हट के दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रही है, उसे इसे क्या कहते हैं, कपल फोर्स कहते हैं, और इसके कारण क्या जनरेट होगा, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, रोटेटिंग इफेक्ट। तो कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज, माइनस क्या हुआ एट ए प्लस क्या हुआ एट बी, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू टू ए, हैविंग डाइपोल मोमेंट क्या था, क्या इंटू में टू ए। तो फोर्स ऑन चार्ज ए क्या इंटू में ई, और फोर्स ऑन चार्ज नेगेटिव क्या हो गया, क्या इंटू में ई, डायरेक्शन क्या आ जाएगी अपोजिट दोनों की। तो इसमें क्या है, अब हमारा क्या है, ई इज यूनिफॉर्म, देयरफॉर नेट फोर्स ऑन डाइपोल क्या ई माइनस क्या ई क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि इक्वल और अपोजिट है, टोटल फोर्स क्या होगी जीरो। लेकिन ये सेंटर लाइन से हटके लग रही है, डिफरेंट पॉइंट पे लग रही है, तो ये क्या होगी कपल, इसी कारण क्या कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ये इस तरफ आएगा, ये फेस इस तरफ जाएगा, तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी बच्चों, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। ड्रा ए सी, ए सी परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे, तो अब यहाँ से क्या होगा हमारा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा ए सी, तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एफ इंटू में आर्म ऑफ कपल का मतलब क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ए सी, तो एफ, अब ए सी निकालना इस ट्रायंगल के अंदर, यहाँ थीटा है तो ये क्या बन गया बेस, ये क्या होगा हाइपोटेनस, ये चीज़ क्या होगी परपेंडिकुलर। तो अब हमारा क्या हो गया ए सी, क्या हो गया ए बी साइन थीटा, ए सी ये डिस्टेंस निकालना है अब हमें, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला, तो क्या हो गया अपना ए बी साइन थीटा, तो एफ ए बी कितना है टू ए साइन थीटा, तो एफ की वैल्यू क्या है, क्या इंटू में ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू में ई, तो टू ए साइन थीटा, क्या इंटू में टू ए क्या हो गया हमारा बच्चों पी, क्या इंटू में टू ए क्या होगा पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा, वेक्टर फॉर्म में हम लेके चलेंगे तो पी क्रॉस ई लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस वन में हमारा फार्मूला था ए क्रॉस बी, वेक्टर फॉर्म में क्या है ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू में साइन थीटा। तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज गिवन बाई राइट हैंड स्क्रू रूल, जो क्या होगी परपेंडिकुलर होगी दोनों की। तो स्पेशल केस जब थीटा जीरो हो तो जीरो रख दो, तो साइन जीरो क्या होता है जीरो, तो टॉर्क क्या आ गया जीरो, 90 डिग्री है तो साइन 90 क्या होता है वन, तो पी ई आ जाएगा। इसी प्रकार डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे हम निकाल सकते हैं। थैंक यू।